हेलो गाइस, वेलकम बैक और चैनल टेक विद सुभाष। तो कैसे हो आप गाइस? जब भी यूट्यूब खोलता हूँ तो मेरे सामने आता है कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ कि मेरे चैनल प्रमोट कर दो, मेरे वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे हैं सर, मेरे साथ कोलैब कर लो। तो जब भी यूट्यूब खोलता हूँ तो ये सब कुछ मुझे देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको कोलैब की ज़रूरत है, चैनल प्रमोशन की ज़रूरत है, तो वो मुझे बोलते हैं, मुझे कुछ मानते हैं तभी तो बोलते हैं, उन्हें लगता है कि मैं उनका चैनल प्रमोट कर सकता हूँ तो वो मुझे बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि वैसे तो आपको पता है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, और अगर फ़ायदा हो भी मेरे प्रमोट करने से ज़्यादा 100 या 200 सब्सक्राइबर आपके आ जाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ पाएंगे। फिर भी आप चाहते हो कि मैं आपको चैनल प्रमोट करूँ, आपके साथ कोलैब करूँ, तो फाइनली मैंने डिसीज़न ले लिया है कि आज के बाद मेरे चैनल पर कम से कम महीने में 6 या 7 वीडियो कोलैब की ज़रूर आएगी। तो फाइनली मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं आपके साथ कोलैब करूँगा। लेकिन गाइज, ऐसे कोलैब मैं किसी के साथ नहीं करूँगा, कुछ डिसीज़न है मेरे, कुछ रूल है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आपको लगे कि हाँ मैं इन रूल को फॉलो कर सकता हूँ तभी मेरे साथ कोलैब करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि हाँ ये हमारे जो रूल है वो थोड़े बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने मुश्किल इसलिए रखे हैं कि ताकि जिन लोगों को प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है, जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है ना, मेहनत करने के बाद भी उनके चैनल को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, वही मेरे रूलों को फॉलो करेंगे और वही मेरे साथ कोलैब करेंगे। और इन लोगों को जो मैं रूल बता रहा हूँ वो थोड़े कठिन है, तो मुझे लगता है कि शायद एक भी कोलैब मेरे साथ ना हो, लेकिन मैं साफ साफ बता दूँ जिससे कि किसी को मुझे मतलब बार बार कोई मुझे ना बोले कि मेरे साथ कोलैब कर लो, मेरा चैनल प्रमोट कर दो। अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैंने कहा भाई भैया ये वीडियो देख लो, मेरे रूल पढ़ दो, कोलैब कर लूँगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारे रूल क्या है। तो उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में आने वाले घंटे को भी दबा दीजिए। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम कि हमारे रूल क्या है। पहला रूल ये है कि मैं उसी के साथ कोलैब करूँगा जिसके चैनल पर कम से कम 20 वीडियो अपलोड हो, 20 वीडियो उनके चैनल पर होनी चाहिए, है ना। पहला रूल हो गया कि 20 वीडियो उनके चैनल पर होनी चाहिए। तो अब दूसरा रूल ये है कि उनके चैनल पर कम से कम 20 वीडियो अपलोड होनी चाहिए। जी हाँ, 20 वीडियो अगर आपके चैनल पर है तो मैं आपके साथ कोलैब कर सकता हूँ। पहला रूल आपने देख लिया है ना, और दूसरा जो है कि 20 वीडियो आपके चैनल पर होनी चाहिए। और तीसरा रूल जो है वो ये कि मैं उन्हीं के साथ कोलैब करूँगा, ध्यान से सुन लीजिए, मैं उन्हीं के साथ कोलैब करूँगा जिनके चैनल पर कुछ भी वीडियो हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो मुझे अगर कोलैब के लिए कह रहे हैं तो वो मुझे वीडियो कौन सी देंगे वो मैं बता देता हूँ। वो मुझे वीडियो वही दे सकते हैं जिसमें वो एडिटिंग सिखा रहे हैं। जी हाँ, मेरा चैनल जो है वो एडिटिंग का ही है एंड टेक का है, तो वो अगर मुझे एडिटिंग देते हैं, एडिटिंग का वीडियो बना कर देते हैं, जैसे कि फ़ोटो एडिटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, फ़ोटो एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई मुझे वीडियो बना कर देगा तो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर दूँगा और मैं उनके साथ कोलैब कर लूँगा। और दूसरी ये बात देख लीजिए, अगर आपका जो मतलब वीडियो मुझे दे रहे हो, आपके चैनल पर कैसी वीडियो मुझे कोई मतलब नहीं है, आपके चैनल पर जो भी करते हो आप, लेकिन आप मुझे वीडियो दोगे वो होनी चाहिए कम से कम, जो मान लीजिए जो है ना वीडियो एंड फोटो एडिटिंग की होनी चाहिए, तभी मैं आपके साथ कोलैब करूँगा। और अगला मेरा जो रूल है वो ये कि अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर है, जी हाँ 1000 सब्सक्राइबर है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, और बात करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप कैसा वीडियो मुझे दोगे, है ना। 1000 सब्सक्राइबर है तो मुझे पता है कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होगा, है ना, तो हम डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो भी हम बात करेंगे उसके हिसाब से आप जो मुझे वीडियो बना देना, मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप वीडियो बनाओगे। आप भी अपना टॉपिक मेरे सामने रख सकते हो, तो यही जो रूल है वो आपको फॉलो करने होंगे। और जो एक और रूल है कि आपके चैनल पर एक भी सब्सक्राइबर ना हो, ये आखिरी रूल है, ये सभी रूल को तोड़ देगा, फोड़ देगा, सभी रूलों को ऐसे नष्ट कर देगा। मेरे जो पीछे के रूल है वो ये कि आपके चैनल पर एक भी सब्सक्राइबर ना हो, लेकिन आपके चैनल पर कम से कम 20 वीडियो होनी चाहिए, है ना, और उसके बाद आपका चैनल कम से कम 4 महीने पुराना होना चाहिए। यानी पुराने होने का मतलब ये नहीं है कि आपने आईडी कब बनाई, आपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कब करना शुरू किया, वो आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैंने देखा कि आपका पहला वीडियो 4 महीने पहले अपलोड हुआ है तो मैं आपके साथ कोलैब कर लूँगा, लेकिन आपको वही वीडियो मुझे देनी होगी जो YouTube टिप्स से रिलेटेड हो,
YouTube चैनल को ग्रो कराने से रिलेटेड हो या फिर YouTube की कोई और इन्फो आप दे सकते हो अगर आपका चैनल 4 महीने पुराना है तो। मुझे क्यों ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता है, मुझे लगता है कि 4 महीने अगर कोई YouTube पे रह लेता है तो उसे अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है और वो YouTube पे अपना ज्ञान बांट सकता है, YouTube से रिलेटेड टिप्स दे सकता है। अब ये जो रूल है आप देख लीजिए फिर से, आप यहाँ पर स्क्रीन पर मैं लिख देता हूँ कि कौन से रूल है, आप इन रूल को ध्यान में रखते हुए मुझे आप अपना वीडियो सेंड करोगे। वीडियो सेंड करने से पहले आप मुझे बताओगे कि मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे, अगर मैं कहूँगा कि हाँ तुम बना सकते हो तब आप अपना वीडियो बनाओ और मुझे सेंड करो, मैं अपने चैनल पे डाल दूँगा और बोल दूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे वो तो आप इसके चैनल पर विजिट कीजिए और इनके चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ये सब कुछ बोल दूँगा। तो अब बात आती है कि आप मुझे सेंड कहाँ करोगे, तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेरी जीमेल आईडी है techsubhas@gmail.com, तो इस पे आपको अपना जो आप बोलना चाहते हो कि मैं आपके साथ कोलैब करना चाहता हूँ वो आप मुझे सेंड करना मैसेज, उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि किस तरीके से आप वीडियो बनाओगे, वहाँ पर हम बात कर लेंगे, तो वहाँ पर मुझे आप करना। तो फाइनली यही कहना चाहूँगा कि कोलैब अगर मेरे साथ करना है तो आपको उन रूल को फॉलो करना होगा जो मैंने पीछे बताए आपको, तो उन रूल को फॉलो अगर आप करते हो तो मैं आपके साथ 100% जो कोलैब करूँगा और मेरा जो 3 दिन के बाद ये मैं कोलैब की वीडियो कब अपलोड करूँगा, 3 दिन के बाद जो 4th दिन आएगा उसके दिन मैं अपना कोलैब का वीडियो अपलोड करूँगा। अब कोई मुझे कल ही बना कर दे दे तो मैं कल अपलोड कर दूँगा, है ना, कोलैब की वीडियो आज अगर आती है तो 3 दिन के बाद अगर जो 4th दिन आता है उसके दिन हम कोलैब की वीडियो डालेंगे। रोज़ रोज़ मैं कोलैब की वीडियो नहीं डालूँगा, अगर कोलैब की वीडियो डालूँगा तो मैं अपने वीडियो कब डालूँगा, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर आप रूल को फॉलो करते हो तो मैं आपके साथ कोलैब कर लूँगा। तो फाइनली वीडियो लंबा हो रहा है तो मैंने बता ही दिया कि रूल क्या है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो उससे पहले आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगे कि हाँ मैंने सही किया, रूल थोड़ी मैं मानता हूँ कि मुश्किल है लेकिन मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला था। बार बार मुझे ये कमेंट देखने को मिल रहे थे, व्हाट्सएप पर भी कुछ लोग बोल रहे थे, तो उन्हें मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है जो आप समझो, आप मुझे बुरा मानो अच्छा मानो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपके साथ यही सब कुछ बताने वाला हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि अप्रैल चल रहा है तो मैं आपको अप्रैल फुल बना रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ लोगों के दिल में आएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर मुझसे बात करते हो और जो मैंने रूल बताए हैं उनको फॉलो करते हो तो मैं आपके साथ कोलैब करूँगा। तो फाइनली आप अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत।